मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि अपने ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। कि जो अपने हैं ना वो सोच समझ के नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आपको अपनों के साथ ही तो ज्यादा सोच समझ के बोलना पड़ता है। बाहर वालों के लिए तो आप थोड़ी बात इधर उधर कर भी दे तो क्या है, एक बार मिलेंगे दूसरी बार शायद मिलेंगे नहीं। लेकिन जो आपके साथ रह रहा है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपके लिए हर काम कर रहा है, आप उसके वक्त ही बोलते वक्त ध्यान नहीं रख रहे कि क्या बोल रहे और क्या नहीं बोल रहे, और ये कह देते कि अब तुम्हारे सामने भी सोच के बोले क्या? अरे मेरे ही सामने सोच के बोलो, क्योंकि आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि पूरी दुनिया थोड़ी मेरे साथ खड़ी है, ये जो मेरा अपना है ये मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे ये ध्यान रख रहा है कि इसकी भावनाएं इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए दुनिया के सामने सोच के बोलो ना बोलो, कम से कम अपने अपनों के सामने तो दो बार सोच के बोलो। और लोग यही उल्टा करते हैं, बाहर वालों को बड़ा खुश रख रहे हैं, सोच समझ के बात करते हैं इसको, और घर वालों को, और फिर उसको प्यार का नाम दे रहे। यही तो प्यार है, मतलब बेइज्जती करना, गुस्सा करना, बुरी बातें सुनाना, तकलीफ पहुंचाना, ही प्यार है।